पश्चिमी बंगाल में लोकप्रिय अभिनेत्री नुसरत जहां चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल ने बंगाल की मशहूर अभिनेत्री नुसरत जहां को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर बशीरहाट लोकसभा सीट पर नुसरत जहां चुनाव लड़ रही हैं, जहां अल्पसंख्यक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इस सीट पर अभी तक कांग्रेस और माकपा के बीच मुकाबला रहा है, लेकिन 2009 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब यहां पर नुसरत जहां अपना दाव आजमा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सायंतन बसु को मैदान में उतारा है और माकपा ने यहां से पल्लव सेन को उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर देखने वाली बात यही है कि यहां पर नुसरत जहां के चुनाव लड़ने से यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित होने के तुरंत बाद ही नुसरत ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा था कि आखिर आप कैसे सिर्फ 3 शब्दों के जरिए किसी महिला से अपने संबंध खत्म कर सकते हैं या उसे प्रताड़ित कर सकते हैं, यह गलत है। मैं 3 तलाक को खत्म किए जाने की कोशिशों को अपना समर्थन देती हूँ। इसके बाद कई लोगों ने नुसरत जहां के इस प्रगतिशील बयान का स्वागत किया था, लेकिन बशीरहाट के वोटरों में रोष व्याप्त था। नुसरत के बयान के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने तृणमूल की जगह CPM को वोट देने की अपील की, जिससे नुसरत को सबक सिखाया जा सके। कुल मिलाकर अभिनय की दुनिया से सियासत में कदम रखने वाली 29 वर्षीय नुसरत जहां बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में बेहद लोकप्रिय चेहरा है। कोलकाता की रहने वाली नुसरत जहां ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में कई टॉप स्टार के साथ काम किया है। मॉडल रह चुकी नुसरत जहां ने 2011 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शत्रु फिल्म से की थी। उसके बाद उन्होंने खोखा, 420, खिलाड़ी और कई अन्य फिल्मों में काम किया। वे जनता के बीच भी बेहद लोकप्रिय हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।